हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ करेला का भरवा। इसको बनाने के लिए पहले करेला को इस तरह से बीच से कट करके उसके सारा बीज को इस तरह निकाल लेना है और उसको एक पैन में पानी में बॉईल कर लेना है 10 मिनट तक। और उसमें 1 चम्मच नमक देना है। बॉईल होने के बाद एक सूती कपड़ा में उसको छाल लेना है ताकि उसका सारा पानी सूती कपड़ा में सूख जाए। और उसके मसाला बनाना है। मसाला में करेला का बीज, गोटा जीरा, धनिया और ग्रीन चिली। वो रेड हो गया है इसलिए मैं इसको ले रही हूँ, इसमें ज़्यादा तीखापन आता है। आप चाहे तो पाउडर भी ले सकते हैं, मैंने पाउडर नहीं ली है। मैं गोटा जीरा को भी मिक्सी में पेस्ट कर लिया और करेला के बीज को भी ले ली है, इसको पेस्ट बना ली। और अब एक पैन में सरसों का तेल ली है। करेला का भरवा सरसों का तेल में ही ज़्यादा टेस्ट लगता है, इसीलिए सरसों का तेल में मसाला को डाल करके इसको भूजेंगे। इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी पाउडर दी है। इसमें देखिए इस तरह से कलर आने के बाद उसमें हम 1 चम्मच आमचूर पाउडर देंगे। आमचूर पाउडर दे करके फिर गैस को मसाला को चलाएंगे और गैस के फ्लेम को हमको लो रखना है। मसाला जब तक हम भूजेंगे तो गैस के फ्लेम को लो रखना है। और इस तरह का कलर चेंज होने के बाद उसमें हम कसूरी मेथी देंगे। कसूरी मेथी देने से और इसमें थोड़ा सा अलग सा सेंट आता है। इस तरह से मेरा करेला भरवा बनाने के लिए उसके मसाला रेडी हो गया। अब हम उसके इसमें करेला को अंदर करेला के अंदर में मसाला को इस किस तरह से भरेंगे देखिए। इस तरह से लेकर के मसाला को अच्छा से प्रेस करके साइड से क्लीन कर लेंगे। ऐसे बंद करके साइड से क्लीन कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा आता है उसको हाथ से इस तरह से निकाल लेंगे। बहुत ही ईजी है और मैं ये बिना प्याज लहसुन का बना रही है। अगर आप लोग को प्याज लहसुन देकर के बनाने वाला वीडियो देखना है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो प्याज और लहसुन का पेस्ट देकर के कैसे बनाती है वो बना दूँगी। इस तरह मेरा सारा करेला का भरवा मसाला भर करके रेडी होगा। अब इसको हमको फ्राई करने के लिए फिर उसी पैन में हम सरसों का तेल लिए हैं। सरसों का तेल गर्म होने के बाद मैंने सारा करेला में मसाला भरा हुआ करेला को इस तरह से पैन में सजा देगी और ऊपर से थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देगी और पैन में पैन को कवर कर देगी और फिर कुछ देर बाद पैन खोल करके उसको चलाते रहना है और गैस के फ्लेम को लो रखना है। बहुत ही कम ऑयल में मैं इसे फ्राई कर रही हूँ इसलिए गैस के फ्लेम को हमको लो ही रखना है। इसका देखिए बार बार उलट पलट करके इसको हमको फ्राई करना है और देखिए इसका कलर भी इस तरह से चेंज हो रहा है। और ये करेला बोलने से सबको कड़वापन का ख्याल आता है लेकिन ये इस तरह से बनाने पर आपको ज़रा भी करेला कड़वापन नहीं लगेगा। इसे बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से खा सकते हैं और इसे हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ईजी है और टेस्टी है। इस तरह से मेरा करेला का भरवा बन करके रेडी हो गया। इसका कलर भी पूरा चेंज हो गया और ये ऐसे मेरा करेला का भरवा रेडी। थैंक यू।